बैतूल में किसान फसल योजना कार्यक्रम में कई प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति को लेकर भी एक प्रदर्शनी लगी और जिसके अंदर पढ़ाई के बारे में बताया गया। प्रदर्शनी का जायजा लिया बंसल न्यूज के विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने। 2022 का जब पाठ्यक्रम शुरू होगा तो नई शिक्षा नीति के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। बैतूल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसी ही झांकियां लगी है जिसमें नजर आएगा कि अब आने वाले दिनों में स्कूल में क्या पढ़ाई होने वाली। आप देखिए, सीएम राइज स्कूल की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी नरसिंह परमार से, तो वो भी यही कह रहे थे कि किस तरह हम लोग सीएम राइज स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखिए एक नया कंसेप्ट क्या होगा। इस नए कंसेप्ट में तमाम तरह की चीजें, सप्ताह के 7 दिन होंगे शासकीय प्राथमिक शाला, जिसमें बाकायदा इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी बात होगी। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, ये सब नई शिक्षा नीति के तहत दिखाई देने वाली है। और जब नए राइज स्कूल दिखाई देंगे तो उसमें ये सब होने वाला एक कंसेप्ट है। और किस जी करेंट में अभी ये चला भी आ रहा है, हम इसे खेल खेल में बच्चों को मनोरंजन तरीके से रोचक गतिविधि के द्वारा जो कठिन अवधारणा उनको सरल करके बच्चों को सिखाते हैं। और बच्चे बहुत ही आनंददायी वातावरण में, बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं हमारे। अभी ये बताइए कि कोविड चल रहा है, कोविड के बीच में बच्चे स्कूल आपके आना शुरू हो गए? आना शुरू हो गए जी। 50% आते हैं सर। 100% की बात करते हैं सर, कंटिन्यू कर देंगे। कल ही आदेश आया है, कल आदेश होगा। नई जो शिक्षा नीति आ रही, कैसी होगी वो, क्या होगा उसमें? अच्छा ही होगा सर, बहुत ही अच्छा होगा नई शिक्षा नीति से। बहुत अच्छी में क्या होगा बताइए? बच्चे झिझक दूर होगी, खेल खेल में सीखेंगे जी। बहुभाषी शिक्षण होगा सर। जो बच्चे हिंदी बोलना नहीं जानते हमारे, तो वो स्कूल में बोलने से कतराते हैं, झिझक रहती है। लेकिन नई शिक्षा नीति में उनकी भाषा को हमारी हिंदी भाषा से जोड़ते हुए जब शिक्षण कराया जाता है तो उनको एक अपनापन लगेगा कि नहीं, ये जो शिक्षक है ये मेरे हैं। तो सर बच्चों को जब लगा होगा, जिस चीज़ से हमें लगा होता है तो हम रुचि लेते हैं, तो बच्चे सीखने में रुचि लेंगे और बच्चे जल्दी सीखेंगे सर। पढ़ाई के अलावा आप लोग क्या कराते हैं? सर हम जिस प्रकार यहाँ आकर्षक वातावरण है, हमारे शालाओं में भी होता है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है और बच्चे आनंद से सीखते हैं सर। उपस्थिति भी बड़ी। सर दूसरी बात, सीएम राइज शुरू करने से पहले टीचरों को सीएम राइज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की नई शिक्षा नीति कैसी है, इसमें ये तो समझ आएगा, दावे बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, नई नई शुरुआत भी होती है, लेकिन इन सब लोग का दावा है कि इससे चीजें काफी सुधरेंगी, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ नीति शास्त्र की भी बात होगी जो हम भूलते जा रहे थे। इस नई शिक्षा नीति में भारत की संस्कृति की बात होगी, भारत का जो इतिहास रहा है पुराना उसकी बात होगी, लेकिन खेल खेल में कैसे पढ़ लें बात इसकी भी होगी। और ये कंसेप्ट उसका उदाहरण है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बैतूल।